हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है अष्टमी, आज अष्टमी कल को नवमी, तो आप सभी लोग को अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अष्टमी पूछते होंगे और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नवमी पूछते होंगे, तो हम लोग तो नवमी पूछते हैं, तो हम कल कंचन पूछेंगे। और आज हमारे घर में सभी लोग का फास्ट है, मम्मी का, पापा जी का, मेरा और अनुराग का, चारों का फास्ट है। और अनुराग आज ऑफिस गए हैं, आज उन्हें ऑफिस जाना था तो वह 8 बजे चले गए थे। आप शाम को मतलब 8 बजे तक घर पहुंचेंगे हो। और तो अभी दिन का बज रहा है 1:30, तो मैं अभी छत में जा रही थी, कपड़े धोए थे सुबह, कपड़े सुखाने डाले थे तो वो सूख गए होंगे, तेज धूप है क्योंकि, तो मैं कपड़े नहीं जा रही थी। तो मैंने सोचा ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि सुबह से ब्लॉग की स्टार्टिंग की नहीं थी। और आज कुछ ऐसा कुछ खास था भी नहीं, तो मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की भी नहीं। और आज सुबह शिवी भी गई थी वो कन्या पूजन में, तो उसको बुलाया था पड़ोस वाले लोगों ने, पड़ोस में मतलब कोई अष्टमी पूछता है कोई नवमी पूछता है, तो जिन लोगों ने आज कंचन पूछे तो उन वो लोग शिवी को बुलाने के लिए आए थे, तो मम्मी उनको लेने के लिए गई थी, मतलब 2 जगह गई शिवी। और मैं आपको दिखाऊंगी उसकी वीडियो, मैंने कैप्चर करके रखी थी। और शिवी को क्या गिफ्ट मिले कन्या पूजन से वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं छत से कपड़े लेके आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइज मैंने चाय बना दी है, पापा जी को भी दे दिए चाय, और ये अपने लिए भी लेके आ गई हूँ। आज सुबह से एक बार पीती चाय, उसके बाद अभी पी रहे हैं दोबारा से, क्योंकि बार बार चाय पीने से भी तो खाली पेट होता है व्रत में, तो बार बार चाय पीने से भी गैस बन जाती है ना, पेट में अजीब सा हो जाता है, तो चाय पीते हैं। और मैं आपसे कह रही थी कि शिवी को क्या मिला था मैं आपको दिखाऊंगी, ये दिखाती हूँ आपको। एक तो ये मिला था शिवी को बॉक्स, मतलब इसमें उनने ना प्रसाद भर के दिया था, इसमें छोले हलवा पूरी भर के दिया था इसमें उनने, ये देखो कितना प्यारा सा बॉक्स है, ऐसे ही बॉक्स हम भी लेके आए हैं ना, उस टाइप का। ये एक ये दिया था, और ये कितना प्यारा है छोटा सा पर्स मेरी शिवी का, ऐसे टांगेगी इसको, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, बच्चे खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ें देख के। अभी तो शिवी मतलब समझती नहीं है, अगर थोड़ी बड़ी होती समझने वाली तो इसको ये इसको पहन के इधर उधर नाचते रहती, कितना प्यारा है ना। और इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर ये भेंट है, ये उन लोगों ने दी होंगी ना शिवी को, ये भेंट है उसके अंदर। तो कल हमारे वहाँ है कंचक पूजन, तो कल हम भी पूछ लेंगे। अभी हमने सुपरमार्केट जाना है, अभी जाएंगे हम लोग सामान वामान लेके लेने के लिए, क्योंकि कल जब हम कंचक पूछते हैं ना, हम हमेशा मतलब ऐसा करते हैं कि नया सामान यूज़ करते हैं, जैसे आटा भी उस दिन लेके आते हैं कंचक के लिए, तेल आटा और जो भी मतलब सामान मतलब चाहिए राशन, उसमें हम उस पहले दिन ही लेके आते हैं कंचक पूजने के, तो लेके आना है जैसे आटा लेके आएंगे, सूजी, छोले, काले वाले छोले लगते हैं उसमें वो, तो जो ये सामान होता है तेल वेल लेके आएंगे कंचक पूजने के लिए, सुपरमार्केट जाएंगे अभी। तो तब तक मैं चाय भी लेती हूँ, उसके बाज आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली गाइस अभी बज चुके हैं शाम की 4 और हम जा रहे हैं सुपरमार्केट सामान लेने के लिए, तो मैं आपको वहाँ का मतलब हल्का हल्का सा क्लिप दिखाती रहूँगी, मतलब बोलूँगी तो नहीं क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है कैमरा लेके बोलने में, क्योंकि अभी नया नया है ना तो इसलिए भी अजीब सा लगता है थोड़ा बोलना, तो मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपसे घर आके मिलती हूँ। तो ओके बाय। फाइनली गाइस हम मार्केट से आ चुके हैं, और बाहर इतनी तेज़ गर्मी लग रही है ना, क्या बताऊँ, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, बीच में बारिश हुई थी तो मौसम सही हो गया था, फिर से गर्मी स्टार्ट हो गई है, और बहुत थकान भी हो गई है यार, एक तो फास्ट है ना तो इसलिए भी। तो अभी बज गया है शाम का 6, अब डिनर की तैयारी करते हैं रात के, तो सबको भूख भी लगी होगी, सबका फास्ट है आज, तो डिनर विनर बनाते हैं। डिनर में मैं आज बना रही हूँ सूखे आलू, लौकी की सब्जी,
रोटी, रायता, बस इतना ही बना रही हूँ। इतना बहुत है, इतना ही बना रही हूँ बस। ये हम सुपरमार्केट से सारा सामान लेके आए हैं। इसमें हमने आटा पिसवाने भी दिया था, वो भी लेके आ गए हैं। और ये सारा सामान इसमें सूजी, काले चने, फ्रूट्स और ये फ्रूटी दूध वूध है इसमें। तो यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई हूँ और खाना वाना बना लेती हूँ जल्दी से। दिए मैंने रायता बना दिया है। अभी आटा नहीं गूंदा है, आटा फिर गूंदूंगी। पहले पूजा कर लेती हूँ, 7 बज गया है, पूजा करने का टाइम हो गया है, तो पहले पूजा कर लेती हूँ मैं, उसके बाद आटा वाटा गूंदूंगी, रोटी बनाऊंगी। और अब आज के ब्लॉग के यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।